आज हमें सातवीं क्लास का बच्चा है ना, आज मैं सरकारी हिरिय प्राथमिक कार्यालय मुरथली स्कूल में सातवीं कक्षा को मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जो ग्रामर में का की के कारों का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कैसे करना है उसके बारे में हम सीखेंगे। बच्चों का की के कार्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमें कोई भी वाक्य लिखते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, उसमें का भी आता है, के भी आता है, की भी आता है, उसके बारे में हमें बहुत ज्ञान लेना चाहिए। जैसे एक शब्द का दूसरी शब्द से संबंध जोड़ने का संदर्भ में उपयोग किया जाता है, अगर एक शब्द से दूसरी शब्द से जोड़ने के लिए जैसे हमें वाक्य बनाते हैं, और वाक्य बनाते समय हमें का और की और के का संदर्भ के अनुसार से हमें उपयोग करते हैं। आज मैं सबसे पहले ये सीखेंगे का प्रयोग कहाँ करेंगे। का ये पुल्लिंग होते है, ये दिल में रखना सुन ले, का एक पुल्लिंग होता है, की एक स्त्रीलिंग होता है, के एक बहुवचन होता है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे का बोलते हैं ना, जैसे हमने उदाहरण लिखा है यहाँ, राजा का बाई है, इसमें आप मानता होगा, देखा होगा, राजा का बाई, राम का बाई, रानी का बाई, राम का पुत्र, राम का पिता, राम का चाचा, इस वाक्य में तुम्हें देख ले राजा कहां का प्रयोग कहां करते हैं। मुझे ये राजा का हमें नहीं देखना, पहली शब्द को हमें नहीं देखना, पहली शब्द का बाद जो शब्द होता है वो पुल्लिंग होना चाहिए। और जैसे हमें वाक्य बनाता है, ये शब्द को हमें नहीं पकड़ना, दूसरे का सामने जो पुल्लिंग शब्द होता है तब हमें खा लगना चाहिए। और जैसे देखो बाई है तो पुल्लिंग है, ये भी बाई पुल्लिंग है, बाई पुल्लिंग है, पुत्र पुल्लिंग है, पिता पुल्लिंग है, चाचा पुल्लिंग है, बेटा पुल्लिंग है, हलवा पुल्लिंग है, देख ले गाजर का हलवा करके है बात, तो गाजर का शब्द नहीं देखना हमें, तो हलवा ये है ना वो पुल्लिंग है, हलवा शब्द है पुल्लिंग है, इसलिए हमें खा लगाना पड़ रहा है। जैसे वाक्य में का सामने दूसरी शब्द जहां पुल्लिंग होता है वहां हमें क्या लगता है, क्या लगना चाहिए, का लगना चाहिए, बोलो का क्या लगना चाहिए, का लगना चाहिए। जैसे पुल्लिंग में, जैसे मान लो यहां की हुआ, हमें भी दूसरा का देखना पड़ेगा, तो का तो मालूम हो आप, कोई भी सर वाक्य बनाते समय तुम्हें क्या करना है, ये पहली शब्द को नहीं देखना, दूसरे शब्द को देखना, ये अपने ध्यान में रखना चाहिए। ये का के की लगने लगाते समय हमें सबसे पहले लिंग के बारे में भी जानना चाहिए। हिंदी में कितना लिंग होता है, दो लिंग होता है, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है ना। कन्नड़ में कितना लिंग होता है, तीन लिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक नपुंसक लिंग होता है। जैसे हमें पुल्लिंग बोलता है जो संज्ञा पुरुष नाम से जो पुकारता है उसको पूरा को हमें पुल्लिंग कहते हैं, जो संज्ञा स्त्री के नाम से पुकारते हैं उसको हमें स्त्रीलिंग कहते हैं, जो जीवित नहीं है मरा हुआ है और एक जगह से दूसरा जगह को नहीं जाता उसको हमें कन्नड़ में नपुंसक लिंग कहते हैं, लेकिन हिंदी में हमें नपुंसक लिंग करते करने के करना नहीं आता, इसलिए दो ही लिंग है, और हमें यह ध्यान रखना है नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं है, उसका वास्ते हमें क्या कर दिया, हमें हमारा हिंदी का विद्वांस ने उसको नपुंसक लिंग तोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रखा हुआ। अभी जैसे हमें का लगाते समय पुल्लिंग में का सामने जो शब्द है वो पुल्लिंग होने से का लगना चाहिए, मालूम हुआ जा, हाँ तू बोल रहे नहीं तू बोल रहे, हाँ मालूम हुआ, हाँ भी देखो की, ये की शब्द स्त्री
होता है, क्या होता है ये स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग होता है एक ही शब्द। जैसे हमें सौंदर्य में जो नाम स्त्रीलिंग रूप में आता है, जैसे लड़की, गाय, बिल्ली है ना, मछली, ये सब स्त्रीलिंग है। बोली में जाने से लड़का, गर, कुत्ता, घोड़ा, ये सब कुछ क्या आते हैं पुल्लिंग में आते हैं। यहां कोई भी शब्द लिखने से वो पुल्लिंग करना पड़ेगा। जैसे स्त्री होता है ना लड़की, ये स्त्रीलिंग है। जैसे हमें उदाहरण लिखवा सुरेश की बेटी, बेटी क्या है यहाँ स्त्रीलिंग है, बेटी क्या है यहाँ स्त्रीलिंग है। ये संज्ञा है, नाम पद बोलते हैं ना हमें कन्नड़ में, ऐसे हिंदी में संज्ञा है ना, सुरेश की बेटी। देख यहाँ की का और का पद देख रहे, का सामने बाई है, ये पुल्लिंग है। की का सामने क्या है बेटी है, ये बेटी क्या है ये स्त्रीलिंग रूप होता है। उसका वास्ते हमें इसको स्त्रीलिंग में कहते हैं की लगा। जितना ही वाक्य स्त्रीलिंग होता है, देखो दूसरा एक है गीता की गाय, गाय एक क्या है स्त्रीलिंग है। गाय कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग, बैल कौन सा लिंग है पुल्लिंग है, बैल बैल होने से यहाँ आना था, अभी गाय क्या स्त्रीलिंग है। यह पहली शब्द को हमें नहीं देखना है, पहली शब्द से आगे जो की लगाते समय ये स्त्रीलिंग है गाय, इसलिए हमें की लगाया गया। भी देखो राम की माँ, माँ कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग है, माँ कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग है। उसका वास्ते हमने क्या कर दिया माँ, राम की माँ करके लिखा है, माँ एक स्त्रीलिंग। भी राम की बहन, बहन कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग है। उसके वास्ते हमने क्या कर दिया यहाँ की लगाया, यहाँ क्यों क्यों लगाया बोलते सर, इसका